अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी पिज़्ज़ा, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल में बोनलेस चिकन लिया है, इसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। 2 कप चिकन लिया है हमने, इसे हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए इसके अंदर हम जो हम मलाई यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो ट्रेट्रा पैक में जो क्रीम मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप ये डालिए, 2 खाने के चम्मच दही डालेंगे, वाइट पेपर डालेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून, मेयोनीज डालेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून, दालचीनी का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, लेमन जूस डालेंगे 1/2। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसे हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 घंटे के बाद। तो चिकन में हमने सारे मसाले डाल के उसे मैरिनेशन के लिए रख दिया है। अब हम जो है पिज़्ज़ा डो तैयार करते हैं। तो ये जो है पिज़्ज़ा डो हम बनाएंगे अंडे वाली, जिसमें अंडा यूज़ होता है। पहले हम जो है एगलेस पिज़्ज़ा डो बना चुके हैं, उसकी रेसिपी जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप एगलेस पिज़्ज़ा डो बनाना चाहें तो। तो यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर 2.5 कप मैदा लिया है, इसके अंदर 1 अंडा डालेंगे, चीज़ डालेंगे 1 पैकेट, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसके अंदर होता है, तो 1 पूरा पैकेट डालेंगे हम। ये इंस्टेंट यीस्ट है तो इसे हम पानी में भिगो कर नहीं रखेंगे। पाउडर शुगर डालेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसे। अब हम हसब ज़रूरत नीम गर्म पानी लेंगे और नीम गर्म पानी के साथ इसे गूंदेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ये देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे जो है बाउल से निकालेंगे काउंटर पे और अच्छे से गूंदेंगे। काउंटर पे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं, और इसे अच्छे से गूंदेंगे। काउंटर पे हल्का हल्का ऑयल डालते जाएंगे और इसे गूंदते जाएंगे, और इसे इतना गूंदेंगे कि ये जो है अच्छे सा अच्छा सा आटा गूंज जाए, जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं फाइन, और ये हाथों पे चिपकना बंद हो जाए। इसे इतना गूंदेंगे हम, तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे गूंदेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम आटा गूंदेंगे इतनी ही अच्छी जो हमारी डो है वो तैयार होगी। तो देखें डो को हमने जो है अच्छे से गूंद लिए, ये देखें अच्छे से गूंद गई है। अब हमने जिस बाउल में से मिक्स किया था उसी बाउल में ऑयल लगाया है, इसे अच्छे से फैला लिया है, यानी कि ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया हमने बाउल को। अब डो को हम इसमें रखेंगे, डो पे भी जो है ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। बाउल को जो है रैप कर देंगे प्लास्टिक रैप से। अगर आपके पास ये ना हो तो परेशान ना हो, आप किसी भी किचन टॉल से या किसी यानी कि बाउल ढक्कन वाले ले रहे हैं ढक्कन से, इसको अच्छे से कवर कर दें, बस यानी कि एयर इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। और अब हम इसे रखेंगे राइस होने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए। सर्दियाँ तो 2 से 2.5 घंटे में अच्छे से राइस हो जाएगी, गर्मियाँ होते फिर ये 1 घंटे में जो है अच्छे से राइस हो जाती है। तो राइस होने का ये है कि ये डबल हो जाएगी साइज में। तो मिलते हैं आपसे डो के राइस होने पर। तो बस चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पैन को जो है चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है मीडियम पे। तकरीबन 1 से 1.5 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे इसके अंदर, ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, अच्छे से सारा चिकन डालेंगे, इसका जो मसाला दही वगैरह तो सारा कुछ इसके अंदर अच्छे से ऐड करेंगे। चिकन को हिला लेंगे और उसका कलर चेंज होने तक उसे पकाएंगे।
चिकन को हमने एक डेढ़ मिनट जो है ऐसे पका लिया। इसका कलर देखें हल्का सा चेंज हुआ है और अब इसको हम कवर कर देंगे, कवर करके पकाएंगे ताकि इसकी बोटियाँ जो हैं वो अच्छे से गल जाएं और ये अच्छे से जो है तैयार हो जाए। उसका पानी जो सारा खुश्क हो जाए, फिर इसे कवर कर देते हैं। इसे हम तकरीबन 5 से 8 मिनट जो है कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 5 मिनट हो गए, एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। इसको निकालेंगे अच्छे से, ये देखें इसमें कितना ज़्यादा पानी पानी हो गया है। ये इसी पानी में बहुत अच्छे से गल जाएगा। इसे फिर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो गए, इसे एक दफ़ा फिर से चेक कर लेंगे। देखें शायद अभी पानी काफ़ी इसका खुद खोल गया। ये देखें गल गया। अब इसे फ्लेम को थोड़ा मीडियम करके उसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो पानी इसके अंदर है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये देखें चिकन जो है हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम फ्लेम को बंद करेंगे, उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चिकन जो है वो हमारा तैयार हो गया, उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पे हमने एक और पैन लिया है बड़े साइज़ का, यानी कि हम जिस साइज़ का जो है पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं उस साइज़ का, क्योंकि हम पैन में बना रहे हैं तो इसलिए हम पैन यूज़ कर रहे हैं, बगैर अवन के बना रहे हैं पिज़्ज़ा। तो पैन को हमने बहुत ही हल्की आग पर जो है चूल्हे पर रखा है प्री हीट होने के लिए, और इसे ऑयल के साथ हम ग्रीस कर देंगे बहुत हल्का सा। बहुत ही हल्का ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम इस पर, हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे और इसे बहुत ही हल्की आग पे हम जो है गर्म होने के लिए रखेंगे। और अगर आपका पैन जो है बहुत ज़्यादा पतला हो तो आप उसके नीचे तवा भी रख सकते हैं, जैसे हम चावलों को दम देने के लिए रखते हैं। तो पैन को हमने रख दिया प्री हीट होने के लिए। यहाँ पर हमारी डो देखें कितने अच्छे से राइस हो चुकी है। इसे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे राइस होने में। इस बहुत अच्छे से देखें राइस हो चुकी है। इसे पंच करेंगे ताकि इसकी ईयर जो है वो बाहर निकल जाए सारी। बाउल से इसे निकाल लेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, डो को इसके ऊपर निकाल लेंगे, अच्छे से इसको दबाएंगे ताकि इसकी ईयर जो है वो अच्छे से निकल जाए। इसे हम दो हिस्सों में काट लेंगे क्योंकि हम इसके दो पिज़्ज़ा बनाएंगे, इसलिए इसको दो हिस्सों में काट लेंगे। एक को रखेंगे इधर और एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले हम इसका पेड़ा बनाएंगे। बाकी जो दूसरा पिज़्ज़ा है वो हम बाद में तैयार करेंगे, तो इसे हम वापस उसी बाउल में डाल के रख देंगे। तो अभी यहाँ पे फिर से हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, पिज़्ज़े को जो है फैलाएंगे जैसे हम रोटी को फैलाते हैं हल्का हल्का सा। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, साइड चेंज करेंगे और इसे बेल लेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं। इसके किनारों को थोड़ा मोटा रखेंगे क्योंकि पिज़्ज़ा के किनारे जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, और दरमियान से इसको यानी कि हम नॉर्मल साइज का रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे। ये हमने रोटी को बेल लिया, इसे हम पैन में डालेंगे। पैन जो प्री हीट हो गया, एक फॉक के साथ इसके अंदर जो है हल्के हल्के सुराख कर लेंगे
इससे क्या होगा, एक तो इसके अंदर एयर नहीं होगी और दूसरा ये है अच्छे से पक जाएगा अंदर तक, तो ये आप लाजमी करें। उसको बहुत ही हल्की आग पे आपने पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए। ये ना क्या आप इसको तेज़ फ्लेम पे पकाएं, मीडियम पे पकाएं, तो ये फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से जलना शुरू हो जाएगा। तो इसको बहुत ही हल्की आग पे पकाना है ऐसे। हम जो है हमेशा घर में ऐसे ही पिज़्ज़ा बनाते हैं पैन में। मैं आपको पैन में पहले भी एक पिज़्ज़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है बगैर बन के ये और बगैर पतीले के, और बहुत ही जल्दी भी बनता है। तो एक साइड से हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे। इसका कलर देखेंगे, इसकी साइड थोड़ी चेंज करके, अगर इसका प्यारा सा कलर आ गया तो 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। ये तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, एक दफ़ा इसकी साइड चेंज करके देख लेते हैं इसको। इसका भी हल्का सा कलर आया, थोड़ा सा कलर और आने देते हैं, फिर इसकी हम दूसरी साइड से साइड चेंज करेंगे। ऊपर वाली साइड पे जो है हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। आराम से इसकी साइड चेंज करेंगे, टूट ना जाए। अब इस साइड पे जो है हम पिज्जा सॉस लगाएंगे। आप जितना खाना पसंद करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। चीज डालेंगे, अब इसके ऊपर हम चिकन लगाएंगे। थोड़े से ब्लैक ऑलिव लगाएंगे, ग्रीन ऑलिव लगाएंगे, चीज लगाएंगे, एक चुटकी जो है ओरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, इससे क्या टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाता है पिज्जे का। अब इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे लो फ्लेम पे हम इतना पकाएंगे कि चीज जो है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो इसके बाद हम इसको जो है निकाल लेंगे। तो पिज़्ज़े को बेक होते हुए 10 मिनट हो गए तकरीबन, इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए इसकी चीज़ जो है ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसकी साइड भी एक दफ़ा देख लेते हैं कलर कैसा है। तो कलर इसका ज़बरदस्त आ गया, इसे अब हम निकाल लेंगे। तो पैन को हमने चूल्हे से उतार लिया, अब पिज़्ज़े को जो है कटिंग बोर्ड को उतार लेंगे। अभी इसे हम कट कर लेंगे, किसी भी पिज़्ज़ा कटर या छुरी की हेल्प से आप कट कर लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ी चीज़ी हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हुआ। नीचे से क्रंची है, ऊपर से चीज़ी है ये। तो ये देखिए तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।